Assalamualaikum everyone, hope all of you doing great. So today I'm sharing with you another review about these products. So first of all, please do subscribe my channel for more videos. So today video is all about sunblock review. अच्छा जी, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड भी है, तो प्लीज़ एंड तक लास्ट में देखिएगा। आज मैं आप लोगों को सनब्लॉक के बारे में बताने वाली हूँ, फॉर नॉर्मल टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन एक्नी प्रोन एंड ड्राई स्किन टाइप। लोकली अवेलेबल भी है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा आपको सनब्लॉक की आजकल वैरायटी देखने को मिल रही होगी, बट ये दो मुझे काफ़ी बेहतर लगे हैं, काफ़ी अच्छे लगे हैं, जो कि आपको वाकई में सन डैमेजेस से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इन्हें किसी किस्म की प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने रिसेंटली सईद गनी की सनब्लॉक और सनस्क्रीन के रिव्यू में इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जस्ट रैंडमली बता दिया, तो उसके बाद से जो मुझे रिक्वेस्ट चाहिए कि आप प्लीज इसका डिटेल रिव्यू कर दो। एंड आप लोग देख सकते हो कि उस वीडियो का कमेंट सेक्शन इन दोनों प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन से भरा हुआ है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सनब्लॉक हमारी स्किन के लिए बहुत अहम एलिमेंट होता है और इस दफा का समर सीजन तो काफी टफ रहा है, तो प्लीज सनब्लॉक लगाना मत भूलें, समर हो या विंटर। सो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। अच्छा, तो फर्स्ट है मेरे पास सोलरन 60 एंटीऑक्सीडेंट सनब्लॉक PA++++ विद विटामिन सी, मैक्सिमम प्रोडक्शन अगेंस्ट UVA एंड UVB, रेस्ट प्रोडक्शन, इनविजिबल, नॉन क्रीसी, फोटो स्टेबल, पैराबेन फ्री, वाटर रेसिस्टेंस, नॉन कमर्जेनिक, बोर्ड स्पेक्ट्रम और 30 ग्राम आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है। नो डाउट इन्होंने पैकेजिंग पर क्लेम्स काफी अच्छे मेंशन किए हुए हैं, आई रियली लाइक इट। अच्छा, तो ये आपको 500 की प्राइसेस में मिल जाता है, बट कहीं कहीं ये 550 का परचेज हो रहा है, दराज से सेल प्राइसेस में लोगे तो 450 का भी मिल सकता है। एंड द अदर साइड इन्होंने डायरेक्शन और यूजेस वगैरह मेंशन किए हुए हैं, और आपको सनलाइट में जो भी बॉडी पार्ट एक्सपोज हो रहा हो वहाँ वहीं से अप्लाई कर लो, फेस एंड नेक, और सन एक्सपोजर मीन्स के बाहर जाने से पहले 30 मिनट पहले से जरूर रीअप्लाई जरूर करो। एंड दिस सनब्लॉक मैन्युफैक्चर्ड बाय सैफ्रन स्किन केयर ब्रांड, उनके मॉइस्चराइजर, फेस वॉश और एक्नी केयर के प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूज में आते रहते हैं, और ये प्रोडक्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। एंड द अदर साइड इन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड के साथ साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है जो एक अच्छे सनब्लॉक में होने चाहिए, और एलेंटोइन्स और विटामिन ई और सी भी है, बाहर मेंशन नहीं हुआ वो विटामिन ई, बट इंग्रेडिएंट्स में विटामिन ई है। इनका क्लेम है कि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सन रेज, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग, पिगमेंटेशन, फ्रिकल्स एक्सेट्रा। इसमें इंग्रेडिएंट्स कम हैं बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इसे ओपन करने के बाद 6 मंथ तक इजीली यूज़ कर सकते हो, और ये अंदर से कुछ इस तरह से ट्यूब फॉर्म में निकलता है। और हाँ, साथ ही इसका ये बॉक्स है जिसमें मुझे रिसीव हुआ, इधर इनकी वेबसाइट मेंशन की हुई है, और साथ में मुझे ऐसा गिफ्ट इनके ट्रायल पैक मिले थे। फर्स्ट इनकी एक्नी वाइप जेल, एक्नी को क्लियर करने के लिए जेल है। सेकंड है इनका डर्मेक्सिल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, ये इनकी एक्नी क्लियरिफाइंग जेल है, बट प्राइस थोड़े कम होने चाहिए थे, और इनका बॉडी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है ये। बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आपकी बॉडी पे हो जाए तो आप ये यूज़ कर लो। मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई थी, ड्राइनेस से क्रैक्स पड़ गए थे, तब मैंने इसको हाँ इसे यूज़ कर लिया था, तो हाँ सही रहता है ये। एंड इंग्रेडिएंट्स वगैरह वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं, आप लोग पॉज करके देख लेना, और अच्छा ही हो गया कि दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। अच्छा, तो ट्यूब पर भी आगे और पीछे वही सब कुछ मेंशन किया हुआ है जो कि पैकेजिंग पे था। सो ओके, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। एंड यू कैन सी कि इसका टेक्सचर क्रीम टाइप की तरह, लाइक गार्नियर की क्रीम जिस तरह से लगते ही मैट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से इसका टेक्सचर है, लिक्विडी नहीं है ना ही थिक है। एंड यू कैन सी क्लियरली कि इतनी ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन में कितने अच्छे से पेनिट्रेट हो रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि व्हाइटिश टोन दे रही है, बट ये इजीली वैनिश हो जाएगी। एंड और आप लोग देख सकते हो कि व्हाइट कास्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना होने के बराबर होने वाली है, 5 मिनट बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और ये किस तरह से मैट फिनिश दे रही है, स्किन में बिल्कुल भी ऑयल सा या चिपचिप सा या सीबम सा फील नहीं हो रहा। इसका टेक्सचर और इसका स्किन में ऑब्जर्व होना बिल्कुल मैट क्रीम्स टाइप की तरह है, ये लोशन सन ब्लॉक्स की तरह बिल्कुल नहीं है। एंड द लास्ट वन, स्किन टाइप पर सुटेबल होने की बात कर लेते हैं कि कैसा रहा ये स्किन टाइप पर, ऑयली और ड्राई स्किन टाइप पर। अच्छा, तो जब मैंने इसको अपनी ऑयली एक्नी प्रोन और सेंसिटिव स्किन पर अप्लाई करा ना, तो क्या ही कहने इसके, कितना फिट किस्म का ये मेरे फेस पर सुटेबल हुआ है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन तो है बट सीबम वाली एक्सट्रीमली समर में ऑयली स्किन हो जाती है, और एक्नी का भी मुझे इशू रहता है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी एक्नी का इशू रहता है। तो बस फिर इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए फिर हम सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो हमारी स्किन पर फिट किस्म का सुटेबल हो जाए, तो वो यही प्रोडक्ट है, और इसकी तीसरी ट्यूब तकरीबन मेरी खत्म होने वाली है। और हाँ, ये विंटर में थोड़ा सा मेरी स्किन को मैट कर देता है, बट मैं मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा लेती हूँ तो सब कवर हो जाता है। और जब मेरी सिस्टर ने इसको अपनी ड्राई स्किन पे यूज़ किया तो उनको विंटर में थोड़े और ड्राइनेस सा लगने लग गया, बट वो समर में इसको यूज़ करती हैं। सेकंड है मेरे पास न्यू फार ब्रांड की न्यूब्रेला सनब्लॉक सन क्रीम SPF 60++++, अल्ट्रा हाई प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UV एंड UVB एफिकेसी, वाटर रेसिस्टेंस, इनविजिबल फार्मूला, नॉन कमर्जेनिक, पैराबेन फ्री, सन इंटॉलरेंट, टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। और आप लोग देख सकते हो कि मुझे इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ, और इसके साथ मुझे कोई गिफ्ट या ट्रायल पैक रिसीव नहीं हुआ, और इधर इनकी वेबसाइट वगैरह मेंशन की हुई है। एटलीस्ट आप जैन फार्म और सैफ्रन की तरह
प्रोडक्ट्स के सैंपल दे देते तो और प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल जाता। आप इसे ओपन करने के बाद 12 मंथ तक यूज कर सकते हो और इसकी एक्सपायरी डेट 2027 तक की है। एंड द अदर साइड इन्होंने डायरेक्शन इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। यूज करने का तरीका वही है जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सन डैमेजेस से, एंटी एजिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑल्सो। और इसके इंग्रेडिएंट्स में जिंक है, टाइटेनियम है विच इज वेरी गुड, जो कि अच्छे सनब्लॉक में होने चाहिए। इसमें विटामिन सी और ई नहीं है, बट इसमें एलोवेरा और पोला वैक्स है जो कि आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं और मॉइस्चराइज स्किन रखने वाली कंडीशन को पूरा करते हैं। तो इससे क्लियरली जाहिर होता है कि मुश्किल है कि इतनी सख्त गर्मी में ये ऑयली स्किन टाइप पर सुटेबल हो। और अंदर से आपको ये कुछ इस तरह से ट्यूब फॉर्म में मिलता है और आगे और पीछे सब उसी तरह से मेंशन किया हुआ है जो कि पैकेजिंग पे था। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। एंड द टेक्सचर लुक लाइक दिस। लोशन टाइप इसकी कंसिस्टेंसी है, लोशन टाइप लिक्विडी कंसिस्टेंसी होने के बावजूद ये इजिली क्विकली स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो रहा, आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। और फिलहाल ये अभी मुझे बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि थिक सी लेयर स्किन में चिमट सी गई है और ये इतने मिनट बाद अब जाके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होना शुरू हो गई है। और व्हाइट कास्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइजिंग है और ये मैट फील बिल्कुल नहीं दे रही, लाइक ऑयल फ्री सा फील बिल्कुल नहीं दे रही। इसमें आपको 50 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसकी रियल प्राइसेस 800 है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी फ्री डीसी में सेल लगती रहती है, परचेज कर सकते हो 800 की प्राइस में। और दराज पे भी इनका फ्लैगशिप स्टोर है, वहां से आपको 900 की विद डीसी में मिलेगी। अच्छा, तो इसको जब ड्राई स्किन पे यूज किया तो ये ऑल सीजन में ड्राई स्किन पर अच्छे से सुटेबल है, क्योंकि जाहिर है जब आप इसको परचेज भी करोगे ना तो नीचे मेंशन हुआ हुआ है उनकी वेबसाइट पे कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स के लिए हैं। बट फिर मैंने देखा कि इसमें नॉर्मल टू ऑयली वाले भी यूज कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको परचेज करके देखूं। तो बस फिर मैंने इसको अपनी ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन पर अप्लाई कर लिया, वो भी कराची की इतनी सख्त गर्मी में। अब मत पूछो कि क्या हुआ भाई साहब, मुझे तो मुंह धोना पड़ गया। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई करा ना, मेरे चेहरे पे बर्निंग ऐसी जलन सी एलर्जिक सी होने लग गई। और फिर इसको 30 मिनट बाद रीअप्लाई करना तो दूर की बात, एकदम से मेरा फेस इतना ऑयली होने लग गया, इतना स्वेटिंग होने लग गई कि मैंने सोचा कि मैं इसको फौरन से धो लूं मुंह को, लाइक इस तरह से हो गया। और इसी तरह मुझ पर रिएक्ट किया था जेनफॉर्म के सन ब्लॉक स्पेक्ट्रा ब्लॉक ने भी। बट जेनफॉर्म के सन ब्लॉक से ना मुझे पिंपल का इशू होने लग गया था, बट इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छी चीज़ ये है इसमें। तो इंग्रेडिएंट वाइज ये प्रोडक्ट अच्छा है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स के लिए ये क्लियर होता है। बट अब जब मैंने इसको परचेज कर लिया है तो मैं इसको विंटर में ज़रूर यूज़ करूँगी और आगे अपने रिव्यूज़ में बताती रहूँगी। इन दैट मैं आप लोगों को क्लियरली डिफरेंस दिखा देती हूँ कि कौन सा सन ब्लॉक कैसा है, कौन सा मैट फील दे रहा है, कौन सा ऑयली फील दे रहा है। एंड यू कैन सी द टेक्सचर, सोलरेन का जो है वो मैट क्रीम्स की तरह लग रहा है और न्यूब्रेला का मॉइस्चराइजिंग लोशंस की तरह। सोलरेन 60 अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होना शुरू हो गया है और न्यूब्रेला अभी तक अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हुआ। और आप देख लो कि दोनों में से किसी का भी व्हाइट कास्ट नहीं है और अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व तो हो गई है, बट सोलरिन जो है वो मैट फील दे रही है अभी भी और न्यूब्रेला जो है वो स्वेटिंग सा फील देने लग गई है। एंड स्मेल सो गुड, दोनों की स्मेल अच्छी है, लाइट सी स्मेल है। सोलरिन 60 हर सीजन में सबके लिए बेस्ट है और न्यूब्रेला नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है एवरी सीजन में। न्यूब्रेला सनब्लॉक को जो इन्फ्लुएंसर वगैरह समर के लिए रिकमेंड कर रही है, मे बी वो अपना डे टाइम पूरा एयर कंडीशन या एसी वाले रूम में कर गुजार रही होंगे तभी उन पर सुटेबल है ये। ये मैंने जस्ट तुक्का लगाया है क्योंकि इसका समर सीजन में स्टे करना है ऑयली स्किन पर काफी ज्यादा मुश्किल है। दोनों सनब्लॉक बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही ये सनब्लॉक वर्क एज सनस्क्रीन का भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि नो व्हाइट कास्ट प्रोडक्ट है। एंड मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स की पीएच टेस्टिंग भी शेयर करने वाली हूं अपनी शॉर्ट फीड में, प्लीज आप लोग जरूर देख लेना। और आप ये दोनों प्रोडक्ट सेल प्राइसेस में इनकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो और दराज से भी आप लोग इजीली परचेज कर सकते हो, इनके फ्लैगशिप स्टोर्स हैं दराज पर। आजकल लोग अपनी मार्केटिंग के चक्कर में रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ की कर देते हैं, चाहे वो बुरी चीज़ क्यों ना हो, बस सेल होनी चाहिए। और जिनको इतना सब कुछ नहीं पता उनको सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझाया हुआ है, लाइक केमिकल, फिजिकल, मिनरल, हाइड्रेट, सनब्लॉक, सनस्क्रीन एक्सेट्रा। बट मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करी है, होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और भी सनब्लॉक और पीएच टेस्टिंग सनब्लॉक की मैंने शेयर की हुई है, प्लीज डू चेक इट आउट। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हो, इट्स सो ड्रीमी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। लव यू, बाय, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।